कबे हराम साले ये जैसे शराबे चेहरा है मासूम पर आदत खराबे खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। अब क्या बोलते बच्चे सीन में मैं ना आया पब्लिक भी पूछ रही बंडा का गाय धरती में घूमना नहीं धरती में बनना नहीं बोझ तेरा रुकता नहीं भाई तेरा प्लेयर आ शूटर सब रांटी पब्लिक हैरान थी कैसे कमा रहा ये गांडी संदड़ा अच्छा गला हो गया शांति बंडा इज बैक अब होएगा क्रांति। ये बहुत सही था। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम एमिवे के सॉन्ग झक्कास में करेंगे रिएक्शन जल्दी से, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं यार कि बिग बॉस OTT स्टार्ट होने वाला है 17 तारीख से, ओके। तो यार जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक और चीज यार, बिग बॉस की वीडियो जो है ना वो मैं इस चैनल में नहीं डालूंगी, अपने सेकंड चैनल में डालूंगी वेलनेस आयदा फन में। तो जल्दी से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वाले चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर ही दो यार जब यहाँ तक आ गए हो तो, है ना। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर भी करना एंड कमेंट भी करना कि अब मैं नेक्स्ट कौन सा करूँ। और ये वाला जो है झक्कास का, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि मैं झक्कास पे पहले अभी रिएक्ट करूँ एंड अभी हमें भी काफ़ी सारे सॉन्ग मेरे पास रखे हुए हैं अभी उसमें भी मुझे रिएक्शन देना और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है यार क्योंकि मज़ा आ जा रहा है। गाने जो सुन रही हूँ ना मैं, मतलब दिल खुश हो जा रहा है मेरा वाकई में। बहुत सही गाने यार ये, बहुत ज़्यादा सही है। चलो यार बाकी बातें तो होती रहेगी बाद में, जल्दी से पहले हम इस गाने को करते हैं रिएक्ट एंड बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अच्छी थी। मतलब अच्छी तो ऑब्वियसली होती है यार। तो चलो यार बातें कम करते हैं, वैसे भी लोग मुझे बोलते हैं मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ। चलो बातें कम करते हैं, ठीक है। एंड वीडियो को हम जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। झक्कास बहुत प्यारा म्यूजिक है। वाओ यार वाओ सीरियसली वाओ। एक तो म्यूजिक इतना प्यारा था, उसके बाद जैसे फ्लूट का वॉइस आया ना, ओ माय गॉड सीरियसली यार वो इतना ज्यादा मतलब प्योर और इतना प्यारा साउंड हो गया और ज्यादा प्यारा हो गया। आप लोग ध्यान देना, ठीक है। बैक करके हम इस खुशी में फिर से एक बार सुनते हैं। बहुत प्यारा लाइफ अपनी एक नंबर जगह से देखी बातें हम घोड़ा ना पागा से दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भागा के पप्पा लाइफ मेरी एक नंबर जगह से लाइफ मेरी एक नंबर जगह से मुद्दे की करता बात घोड़ा नहीं भगाता प्यार कर ले जाऊंगा तो जब भगा के लाइक ऐसा कुछ बोला यार। इसमें देखो साफ साफ ये बोला गया कि देख भाई मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया है, मैं एकदम नंबर वन क्लास से हूँ भाई, मैं बहुत सही से रह रहा हूँ, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है ना। और देख मैं फालतू की बात भी नहीं करता हूँ, ठीक है। और देख सच्चा प्यार करेगी तो भगा के भी लेके जाऊंगा पूरा बताया। इसका मतलब क्या था कि भाई लॉयल रहो लॉयल रहो लॉयल, ठीक है। लाइफ अपनी एक नंबर जगह से मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भगा के बबाड़ी गना नहीं बोलने का फगाड़े असली नहीं चेहरा सब पे नकाब है। यार ये सही है, असली नहीं सब चेहरे पे नकाब है, मतलब सब चीजें ना सब फैक्ट्स है कि सच सच ही लिखा है कि भाई देख ऐसे ऐसा होता है वाकई में यार होता है चेहरे पे आजकल, मतलब कौन ही है यार सबके नकाब है वाकई में। इस्लाम में शराब को हराम माना गया है तो वही उसको रेफरेंस दिया कि भाई ये सब चीजें हराम है, ठीक है। हंसनी नहीं चेहरा सब पे नकाब है हराम है साले सब जैसे शराब है चेहरा है मासूम पर आदत है खराब है खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। लाइफ अपनी एक नंबर जगह से मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना भगा दे दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भगा के पप्पा नहीं करना नहीं बोलनी है भगाड़े। हंसनी नहीं चेहरा सब पे नकाब है हराम है साले ये जैसे शराब है चेहरा है मासूम पर आदत है खराब है खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। क्या बोलते बच्चे सीन में मैं ना आया पब्लिक सुनने के लिए मैं हमेशा बेचैन रहती हूँ एमिवे के सॉन्ग में कि जैसे बोलते हैं क्या बोलती पब्लिक क्या बोलती मामला कैसा वाला जो होता है वाकई में जिनका स्लैंग है ये चीज मतलब बहुत ज्यादा प्यार लगता है। स्पेशली मुझे एमिवे के सॉन्ग में ये चीज सुनना बहुत ज्यादा पसंद है और ये हर चीज मतलब काफी सॉन्ग में ये चीज एड ऑन भी करते हैं। देखिए इस बार इन्होंने क्या करा कि भाई पब्लिक की जगह इन्होंने क्या बोलते बच्चे लाइक ऐड कर दिया और वो चीज बहुत प्यारी लगती है इनकी। एक होता ना कि हाँ ये मेरी बनाई हुई चीज है तो वो चीज एमिवे की बनाई हुई है जन्मदाता क्या बोलते बच्चे सीन में मैं ना आया पब्लिक भी पूछ रही बंडा का गाय धरती में घूमना नहीं धरती में बनना नहीं बोझ अंदर तो पहले से खाना नहीं जोश कोई बनना नहीं दोस्त कोई जानता नहीं दोस्त तो खुद का पहचान माना रशा जरा कम कर बॉडी वॉडी जान माना दोस्त लोग के गाड़ी में घूमेगा तो फिर गांड मारा खुद का ले।
देखो इसे मोटिवेट करा है, ठीक है, स्टार्टिंग में कि भाई देख मैं बोझ नहीं बनता ये वो करके, और इसने यही बोला है कि तुम भी बोझ मत बनो, ठीक है, और बॉडी शॉडी बनाओ, क्या नशे में पड़े हुए हो यार, क्या नशा करना है, बॉडी शॉडी बनाओ, ठीक है, और दोस्तों की गाड़ी में घूम रहे हो तो फिर अपनी फिर ठीक है, हाँ तो वो चीज मत करो, ठीक है, सब चीजें कर रहे हो तो अपनी करो भाई अपनी, ठीक है, नशे में मत लगो, बॉडी बनाओ, फुल मस्त रहो, ठीक है, मेहनत करो, नशा जरा कम कर, बॉडी वॉडी जान माना, दोस्त लोग के गाड़ी में घूमेगा तो फिर गांड मारा खुद का ले, जेब से नहीं घूमने का लुक खावे, मुद्दे का मातू हलाल का साल का गिनती नहीं गिनने का, भाई तेरा रुकता नहीं, भाई तेरा प्लेयर ना शूटर सवरा आंटी, पब्लिक हैरान थी कैसे कमा रहा ये गांडी, संदड़ा अच्छा गला हो गया शांति, बंटा इज बैक अब होएगा क्रांति, ये बॉस है तो बॉस मुझे लाए थे ना, सन्नाटा छा रहा हो गए शांति, बंटा इज बैक हो रहा क्रांति, ओ वाओ ओ वाओ सीरियसली, और यार मुझे एक बार में याद हो गया ये लाइन, क्या बात है, जल्दी कैच कर लिया मैंने, हाँ तो एक बार और सुनेंगे बैक करके इसका, बड़ा सही था, गिनने का भाई तेरा रुकता नहीं, भाई तेरा प्लेयर ना शूटर सवरा आंटी, पब्लिक हैरान थी कैसे कमा रहा ये गांधी, संदड़ा अच्छा गला हो गया शांति, बंटा इज बैक अब होएगा क्रांति, एक नंबर जगह से मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भगा के, बबाड़ी गना नहीं पब्लिक या फगाड़े, हंसने ले चेहरा सब पे ले ना कबे, हरा में साले सब जैसे शराबे, चेहरा है मासूम पर आ देते खराबे, खुदा के अलावा किसे नहीं डरा मैं, लाइफ अपनी एक नंबर जगह से मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना पागा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भगा के, बबाड़ी गना नहीं पब्लिक या फगाड़े, चेहरा सब पहने नकाबे, हरा में साले जैसे शराबे, चेहरा है मासूम पर आदत खराबे, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं, आप प्यार व्यार में पढ़ना नहीं भेजे को त्रास से, पढ़ा तो एक दूसरे पे होना चाहिए विश्वास, समझ के लेगी तो सरास, समझने वाली मिल गई तो फिर छरास भरास, ये सही था, पहले तो बोला भाई प्यार व्यार में पढ़ना नहीं, अगर पढ़ रहा तो कोई पूरा विश्वास रखो, ठीक है, और समझने वाले मिल गए तो सरस सरस लाइक ऐसे हम बोल सकते हैं कि किस लैंग्वेज में होता है, मराठी लैंग्वेज में होता है ना कि सरस, मतलब अच्छी है लाइक ऐसा वाला हम बोल सकते हैं, मराठी लैंग्वेज में ही बोलते हैं, हाँ हाँ पढ़ना नहीं भेजे को त्रास से, पढ़ा तो एक दूसरे पे होना चाहिए विश्वास, समझ के लेगी तो सरास, समझने वाली मिल गई तो फिर छरास बरास, रहे गाने तो दराज, देरेला लोगों को मराद, अकेला सीन में बाकी सब गरज, जीता हर बारी में बीफ, नहीं जीतेगा अगर तू गलत, छोड़ी सा सिमरन मैं बोलू पलट, सर के चोरी ने सिमरन जो मैं बोली वहाँ पलट, मतलब शाहरुख खान वाला सीन, हाँ सिमरन पलट, और वैसे भी यार आप लोगों को तो पता ही होगा कि आमिर का जो घर का निकनेम है वो शाहरुख ही है भाई, शाहरुख है वो, लोगों को मराद, अकेला सीन में बाकी सब गरज, जीता हर बारी में बीफ, नहीं जीतेगा अगर तू गलत, छोड़ी सा सिमरन मैं बोलू पलट, सर के भाई सा जिंदगी अलग, यही पे जन्नत है यही पे नरक, बहुत कुछ सिखाया मुझे ये सड़क, बहुत कुछ सिखाया मुझे ये सड़क, यार यार ये जो बहुत कुछ सिखाया है मुझे सड़क, मतलब एक देख रहा दर्द इसकी वॉइस में, जो सेकंड पैरा जो उसने बोला, सेकंड वर्ड जो बोला उसमें एक फीलिंग थी इसकी कि बहुत कुछ मैंने झेला है और बहुत कुछ मतलब सीखा है इस जगह से, लाइक ऐसा वाला साउंड था वो मैं फील कर सकती हूँ, ध्यान से सुनो आप भी शायद फील कर पाओ, ध्यान से सुनना इसको, इस लाइन को, अकेला सीन में बाकी सब गरज, जीता हर बारी में बीफ, नहीं जीतेगा अगर तू गलत, छोड़ी सा सिमरन मैं बोलू पलट, सर के भाई सा जिंदगी अलग, यही पे जन्नत है यही पे नरक, बहुत कुछ सिखाया मुझे ये सड़क, बहुत कुछ सिखाया मुझे ये सड़क, तभी तो दे रहे ला शिक्षा, मैदान में खड़े तो देते से शिक्षा, तभी तो दे रहे शिक्षा, मैदान में खड़े होते तो देखते है सिक्सर, हर जगह वही क्या कहते हैं उसे नंबर वन, यही पे जन्नत है यही पे नरक, बहुत कुछ सिखाया मुझे ये सड़क, बहुत कुछ सिखाया मुझे ये सड़क, तभी तो दे रहे ला शिक्षा, मैदान में खड़े तो देते से शिक्षा, अकेला फुकता था रो, बचका ने बोल देते तम्बाकू मिक्स कर, देख के मैं छोड़ देला दुनियादारी, यार ये सही था कि फुकता था मैं रो, मतलब खाली फुकता था, दोस्त लोग बोल रहे की भैया तम्बाकू मिक्स कर उसमें तम्बाकू, तभी तो दे रहे ला शिक्षा, मैदान में खड़े तो देते से शिक्षा, अकेला फुकता था रो, बचका ने बोल देते तम्बाकू मिक्स कर, देख के मैं छोड़ देला दुनियादारी, कंट्रोलर भेजे पे वरना भारी, पड़ जाएगा तेरे पे तेरा ही शॉट ब्रो, कम हो रहा थॉट्स जब प्रे करूं गॉड को, वाओ 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 सीरियसली वाओ, ध्यान दिया होगा तो आप लोगों ने, तो ये बहुत सही लाइन बोली थी कि भाई रो में फूकता था, ठीक है, उसके बाद क्या था कि इसने उसमें तंबाकू मिक्स कर फ्रेंड ने बोला, फिर इसने ये चीज़ बोला कि भाई इतना अपने ऊपर हैवी मत होने दो इस चीज़ को, ठीक है, कि तुम्हारा दिमाग ना तुमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और फिर उसने इस लाइन को फ्लिप कैसे करा कि जब मुझे
लिरिक्स लिखने को मिलता नहीं है ना, जब सब कुछ कम हो जाता है तो मैं याद करता हूँ सीधा खुदा को, देख रहे हो मतलब हर जगह खुदा को इतना रिलेट कर रहा है, लाइक सही बात है, ऊपर वाला है तो हम लोग है वाकई में, और इतना मानना भी चाहिए यार हर किसी को वाकई में। तम्बाकू मिक्स कर देख के मैं छोड़ दिला दुनियादारी, कंट्रोल रख भेजे पे वरना भारी पड़ जाएगा तेरे पे तेरा ही शॉट ब्रो, कमोरा थॉट्स जब प्रे करू गॉड को, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भगा के बबाड़ी गाना नहीं बोलने का फगाड़े, हंसने चेहरा सब पे ने ना कबे हरा में साले सब जैसे शराब है, चेहरा है मालूम बरा देते खराब है, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं, लाइफ अपनी एक नंबर जगह से मुद्दे की बातें हम घोड़ा ना भगा दे, दिल से कर प्यार तो ले जाऊंगा भगा के बबाड़ी गाना नहीं बोलने का फगाड़े, हंसने चेहरा सब पे ने ना कबे हरा में साले जैसे शराब है, चेहरा है मासूम बरा देते खराब है, खुदा के अलावा किससे नहीं डरा मैं। हुक लाइन था ना, जो हुक लाइन मतलब बहुत प्यारा था ये, ठीक है जो एंड करा है ना इसे कि खुदा के वास्ते में किसी से नहीं डरा मैं, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरा मैं, वो मतलब इतना सही था ना, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बहुत मतलब टच करा पूरा ना, बस हार्ट में टच करा बिल्कुल ही। वाह यार सीरियसली यार वाह, मतलब म्यूजिक के साथ जो फ्लूट की वॉइस मतलब इतना इनहेंस कर दिया था वो आके, एंड उसके बाद मम्बलिंग स्टार्ट हो गई थी तो मुझे लगा शायद उसी में ही सब चलेगा, बट एकदम से बिल्कुल एकदम अपने वॉइस में आ गया आमी में, हाँ कि आई एम बैक, वो चीज़ बहुत अच्छा था। और जो उसके हुक लाइंस थे उसके जो एंडिंग थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि खुदा के वास्ते में किसी से डरा नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। और सारे लिरिक्स ऐसे थे कि यार मतलब सबका था कि जो जो चीज़ें होती है ना, मतलब लोग बाग ना अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, और गाना तभी हिट होता है जब सारे लोग जो सुन रहे हैं व्यूवर्स है वो जब अपने आप से रिलेट कर पाते हैं, ये चीज़ फैक्ट है कि जब तक आप अपने गाने को किसी से रिलेट नहीं कर पाओगे, किसी को नहीं रिलेट करवा पाओगे, तब तक वो चीज़ शायद नहीं चल पाती। बट ये जो गाने अभी तक आमिर के जितने भी अभी चल रहे, जितना एल्बम आया है, जहाँ तक मैंने कवर करा है, सब चीज़ें बहुत रिलेटेबल था कि भाई इंसान रिलेट करता है अपने लाइफ से, ठीक है, वो चीज़ बहुत अच्छी थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड म्यूजिक्स वगैरह बहुत अच्छी थी, स्पेशली मुझे वो जो साउंड था ना फ्लूट का, चार जगह वो बजा है, ठीक है, वो बहुत प्यारा साउंड करा है वाकई में, आपने ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, बट चार जगह वो बजा है और बहुत अच्छा था। एंड यार मैं क्या ही बोलूँ, तो चलो यार मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, क्योंकि यार मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं होते एक्चुअली, बहुत प्यारा गाना है यार, बहुत प्यारा है, सारे गाने अभी जितने भी मैंने कवर करे सब बहुत प्यारे हैं, और आगे जितने करूँगी शायद वो भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो चलो यार फिर मिलती हूँ मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी जल्दी से आमिर का और भी मुझे एल्बम कवर करना है, ठीक है, तो मिलती हूँ जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।